हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका देख तमाशा टीवी का में, जहाँ मैं आपको बताती हूँ आपके फेवरेट टीवी सीरियल की सारी अपडेट। तो चलिए जानते हैं आखिर आपके फेवरेट टीवी सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट और चल रहा है आखिर कौन सा हंगामा। आपके आ जाने से में साहिल ने वेदिका को एक चैलेंज दिया था कि वो पूरे घर वालों के सामने उससे अपने प्यार का इजहार करे, और वेदिका ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसे निभा भी दिया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि वेदिका ने कुछ इस तरह से प्रपोज किया है जो बात सिर्फ साहिल को ही समझ में आई है। चलिए दिखाते हैं। अभी तो शादी हो गई है दोनों में, और दोनों की सहमति से शादी हुई है, और अभी तो फुल फ्रीडम है रोमांस करने का। तो ऑफकोर्स साहिल, मैंने सबके सामने आई लव यू बोल दिया है साहिल को, तो ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, और उसने फूलों से सब सजाया है, फूलों की बारिश हो रही है, तो वेदिका इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि कब ये सब सही हो जाए, और कब। ऑडियंस के भी बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग शादी क्यों नहीं बता रहे हो, दिस इज़ समथिंग दैट नेवर, इट इज़ नेवर हैपेंड, तो प्लीज़ शो इट सो दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड ऑल। तो दिस इज बाउंड टू हैपन, वी वर वेटिंग फॉर दिस एंड फाइनली हुआ है। तो अभी जितने हो सके उतने मोमेंट्स बताए जा रहे हो, बस आप लोग खुश हो जाओ बस। पर हम तो यही चाहते हैं कि वेदिका और साहिल का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, लेकिन क्या पता इनके प्यार के मौसम में अनचाहे ट्विस्ट की बरसात कब हो जाए। इंटरनेट वाला लव में आध्या सम्राट को उसके बर्थडे पर देने वाली है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। एक तरफ जहां सम्राट अपने बर्थडे पर आध्या से सगाई के सपने देख रहा है, वहीं आध्या ये सगाई तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बधाई और जन्मदिन की, और आपको कैसा लग रहा है कि आराध्या ने इतनी बड़ी पार्टी आपके लिए की है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप देख के, बहुत मेहनत की गई है मेरे बर्थडे पार्टी में, एंड जिस तोहफे की बात बार बार हो रही है वो तोहफा देखना चाहूँगा मैं, क्या तोहफा है मेरे लिए। फाइनली आपकी एंगेजमेंट भी होने वाली है जी, तो उसके लिए आप क्या? उसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वही सम्राट चाहता था एंड फाइनली वैसा हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसमें आराध्या आपकी आपको एक्सपोज भी करने वाली, तो उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? अब वो तो मुझे पता ही नहीं कि क्या करके एक्सपोज करने वाली है, तो आई थिंक वो आप सबके साथ साथ, तो सरप्राइज है आप सबके साथ साथ, मैं भी देखना चाहूंगा कि वो जो राज खुलेंगे, राज बहुत सारे राज, द राजेस, सस्पेंस खुलेंगे, तो मुझे देखना है कि आध्या ने क्या क्या एविडेंस ढूंढा है मेरे खिलाफ। वेल, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आध्या सम्राट की सच्चाई सभी के सामने ला पाएगी या फिर ये ड्रामा कुछ और दिन तक चलेगा। सिलसिला बदलते रिश्तों का में कुणाल फाइनली सालों बाद अपनों से टकरा गया। अब जब परी ने उससे कहा था कि मिस्टी के घर चलो, तो उसे थोड़े ना पता था कि वो उसके ही घर पर चला जाएगा। ऐसे में जब उसकी माँ उसे देखती है तो काफी शॉक हो जाती है और साथ ही साथ बहुत नाराज हो जाती है। लेकिन दादी का रिएक्शन क्या था, चलिए दिखाते हैं। 6 सालों बाद कुणाल लौटा परी के साथ अपने ही घर। आखिर वही बात हो गई जिसका हमें अंदाजा था। परी और मिस्टी की दोस्ती कुणाल को लाई है अपने घर। ऐसे में जब उसकी माँ इतने सालों बाद अपने बेटे का चेहरा देखती है तो उस पर नाराज हो जाती है, लेकिन उस पर अपना प्यार जताना नहीं भूलती। बात करें दादी की, तो वो कुणाल से अभी भी नाराज थी, लेकिन देखते ही देखते कुणाल ने उन्हें भी मना लिया है। फिलहाल दादी और माँ तो कुणाल की गलतियों को भुला कर उस पर प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन ठहर जाइए, इस ड्रामे में अभी मौली वाला ट्विस्ट आना बाकी है। क्या मौली भी कुणाल को माफ कर देगी और दोनों का परिवार एक हो जाएगा और खुशहाल हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
प्रेरणा और नवीन बाबू को एक साथ देखकर अनुराग के दिल पर छुरियां चल जाती हैं, लेकिन बेवजह ही वो इन पर आग बबूला हो जाते हैं। अब हम बेवजह तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनुराग बाबू भी कहां मान रहे हैं कि उन्हें प्रेरणा से प्यार हो गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस सीरियल में क्या चल रहा है। कसौटी जिंदगी में इन दिनों फुल ड्रामा चल रहा है। जब से शो शुरू हुआ है तब से नवीन और प्रेरणा की शादी के आसपास ही कहानी चल रही है। प्रेरणा अपने परिवार का कर्ज भरने के लिए अपनी उम्र से दुगने उम्र वाले नवीन बाबू से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बीच में अनुराग आ जाता है। उसे इस शादी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन वो इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आखिर वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा है? इसका जवाब यही है कि उसे पता ही नहीं चला है कि उसे प्रेरणा से प्यार हो गया है। वहीं प्रेरणा को भी इस बात का एहसास है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही। अब अनुराग और प्रेरणा ना चाहते हुए भी करीब आ गए हैं और नवीन बाबू को ये बात समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे में क्या अनुराग प्रेरणा का हाथ थाम लेगा या नवीन उसे अपनी दुल्हनिया बना लेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये था आज का देख तमाशा टीवी का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी रश।